वेलकम बैक टू जागो लाहौर। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब। जरा हम रेट्स की सूरत हाल जो मार्केट में उतार चढ़ाव चल रहे होते हैं, चिकन रेट्स हैं, सब्जियां हैं, तो चिकन की सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे सभी हसन मौजूद होंगे। सभी आपसे जाना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और चिकन रेट्स की क्या सूरत हाल है। मिला घड़ी शाहों में हम इस वक्त मौजूद हैं, इसका मेन बाजार है ये। और चिकन का जो रेट की बात करें तो 155 रुपये था पिछले चार दिन से, और आज चार दिन के बाद जो है 5 रुपये का इजाफा हो चुका हुआ है। नया जो रेट है वो 160 रुपये फी किलो मुख्तस कर दिया गया है। 160 रुपये ही जिस दुकान पे मौजूद है वहाँ पे जो है फरोख्त किया जा रहा है। डिमांड के बारे से हमने इनसे कुछ बात की थी ऑफ द कैमरा, तो उन्होंने बताया कि जी पहले आजकल जो है वो डिमांड नहीं थी, तो डिमांड एक वक्त हुई है अब शुरू हो गई है, जिसकी डिमांड जो है वो उसके बाद 5 रुपये का इजाफा हुआ और आने वाले दिनों में इसका रेट जो है वो बढ़ने वाला है। तो दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद है, उससे पहले आपको ये रेट लिस्ट दिखा दें। यहाँ पे ये रेट लिस्ट लगी हुई है जिसपे 160 रुपये मेंशन किया गया रेट, और दुकानदार की तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, 5 रुपये तो बढ़ गए हैं, मज़ीद इजाफा होने वाला है? जी बिल्कुल, क्योंकि तेज़ी आई है बिकने में, इसलिए जो है ना वो चार दिन से 155 था रेट, आज जो है ना 160 रुपये 5 रुपये रेट जो है बढ़ा है, क्योंकि न्याजों का भी काम है, इसलिए वो जो है ना जब बिक्री। ये बताएं कि हमने पहले ये देखा था कि डिमांड बिल्कुल नहीं थी, सप्लाई ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से रेट भी थोड़ा डाउन रहता था। अब अगर डिमांड में इजाफा हो गया है तो इसका मतलब है कि रेट ये 200 से क्रॉस कर जाएगा या 200 से नीचे रहेगा? नहीं, क्रॉस करेगा जी, जैसे सूरत हाल है वो क्रॉस करता नजर आ रहा है। तो मतलब जो एक लोगों को एक रिलीफ मिला हुआ था कि 150 140 ये आज तक ये चिकन ब्रॉयलर था, ये एकदम जो है लोगों को दोबारा से एक जहमत का मौका मिल जाएगा? नहीं, अभी ये कमी नहीं नजर नहीं आ रही, कमी होती हुई ना, क्योंकि जब तेजी होती है तो सारी बात है रेट भी बढ़ेगा। ले अर्मिला, ये आप बात सुन रही है कि आपको एक मैंने बुरी खबर सुनाई आज, तो और बुरी खबर ये है कि चिकन का जो रेट है उसमें इजाफा होने जा रहा है। इजाफा होने जा रहा है चिकन के रेट्स में। बहुत शुक्रिया सभी हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे। जनाब सब्जियों की भी बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे इमरान लतीफ हमारे साथ मौजूद होंगे। इमरान, आपसे जानना चाहेंगे चिकन के हवाले से तो बुरी खबर मिली है कि महंगा होने वाला है, सब्जियों की क्या सूरत हाल है? सब्जियों की हालत भी कुछ अच्छी नहीं। अगर बात की जाए तो आलू की कीमत यहाँ पर जो शुगर फ्री आलू है 20 रुपए की है, 20 रुपए में ही फरोख्त हो रहा है। जो उनसे छिलका नया छिलके वाला आलू है नया, उसकी कीमत 31 रुपए है, लेकिन ये 35 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर प्याज की बात की जाए, प्याज की कीमत 24 रुपए में मुकर्रर की गई है यहाँ पर, लेकिन ये भी 30 रुपए से ज्यादा कीमतों में फरोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए टमाटर की कीमत 70 रुपए है रेट लिस्ट में, लेकिन यहाँ पर 80 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए खीरे की, तो खीरे की कीमत 45 रुपए है, लेकिन 60 रुपए से लेकर 70 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फूल गोभी की कीमत 60 रुपए है, मगर 80 रुपए से लेकर 100 रुपए तक फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च की कीमत 100 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 100 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो तक यहाँ पर फरोख्त हो रही है। अगर बात की जाए सब्ज मिर्च की, तो सब्ज मिर्च की कीमत 70 रुपए से लेकर 75 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन यहाँ पर ये 100 रुपए तक सब्ज मिर्च फरोख्त हो रही है। इसी तरह भिंडी की कीमत भी ज्यादा कीमतों पर फरोख्त हो रही है। कीमतें जो है वो ज्यादा है, मुंह मांगे दामों पर फरोख की जा रही है सब्जियाँ। बहुत शुक्रिया इमरान लतीफ और बहुत शुक्रिया सबुल हसन, दोनों हमारे साथ मौजूद है। जनाब हमने आपको जरा शहर की जरूरत हाल तो बता दी, अब जरा सेल्फ डिफेंस के हवाले से हम आज बात करने वाले हैं, और उसके लिए हमारे साथ ज्वाइन किया है अल्तमश नया खान ने, जो कि सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर है, इस फ्रॉम यूएसए। वेलकम टू द शो अल्तमश, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो अल्तमश हम जानना चाहेंगे सेल्फ डिफेंस बेसिकली है क्या? सेल्फ डिफेंस एक कॉन्सेप्ट है कि यू हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स टू डिफेंड योर माइंड एंड बॉडी फ्रॉम हार्म। लेकिन सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट्स के अंदर फ़र्क ये है कि मार्शल आर्ट्स कराटे और टाइक्वांडो और जो दूसरे जितने भी मार्शल आर्ट्स आप उनके बारे में सुनते हैं, वो स्पोर्ट्स हैं, वो खेल हैं, ठीक है। उसके अंदर रूल्स होते हैं, रेफरी होता है। सेल्फ डिफेंस का जो कंसेप्ट है वो ये कि कोई रेफरी नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, आपको कुछ भी करना है अपने असाइलेंट से बचने के लिए आपको करना होगा। तो इसलिए जो मार्शल आर्ट्स और सेल्फ डिफेंस, अगर बंदा सोचे कि मैं सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट्स सीख के कर लूंगा कराटे टाइक्वांडो, वो गलत है, क्योंकि वो एक खेल है और खेल से कभी भी आप वो नहीं सीख सकते सेल्फ डिफेंस में सीखेंगे, क्योंकि सेल्फ डिफेंस जो है वो हर चीज कवर करता है, आएगा जिससे लेके हेयर पुल्स तक, शर्ट ग्रैब्स तक, काफी चीजें कवर करता है जो कराटे और टाइक्वांडो करते हैं। रूल सेट में नहीं, उनको पॉइंट्स की गेम करनी होती है, और उसके अलावा कोई बहुत सीरियसली इंजर हो जाए, किसी को जॉब पे लग जाए, किसी को इंजरी कोई हो जाए, तो रेफरी आके रोक देता है। सेल्फ डिफेंस के अंदर आपको इंजरी हो जाए कोई आके आप रोकेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, सेल्फ डिफेंस आजकल के दौर में कितना ज्यादा जरूरी है, और आपको क्या लगता है कि लोगों में आप कितना ट्रेंड देखने में आ रहा है कि वो सेल्फ डिफेंस सीखने की तरफ आ रहे हैं? देखिए, सेल्फ डिफेंस आजकल इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारी यूथ मैसेस के अंदर फ्रस्ट्रेशन जो है वो बढ़ गई है ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ व्हाटएवर कंडीशन यू सी अराउंड यू। तो उसकी वजह से सेल्फ डिफेंस इसलिए सीखना जरूरी है क्योंकि आपको किसी वक्त भी
आपको आपके ऊपर कोई हॉस्टिलिटी शो करे, कोई आपको डोमिनेट करने की कोशिश करे, टॉर्मेंट करने की कोशिश करे, इसका कोई हमें आइडिया नहीं होता। तो सेल्फ डिफेंस इसलिए हर किसी के लिए जरूरी है। और मैं ट्रेंड देख रहा हूँ कि काफी लोग हैं जो सेल्फ डिफेंस का एड देखते हैं, कहते हैं नहीं हमें क्लासेस ज्वाइन करनी, क्लासेस ज्वाइन करनी चाहिए। अच्छा, रेशो क्या है, मर्दों में ज्यादा है या लड़कियों में ज्यादा है, क्या कौन ज्यादा सेल्फ डिफेंस सीखने के ज्यादा? वुमेन एंड चिल्ड्रन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। यस, जो मर्द हजरात हैं वो स्पोर्ट्स की तरफ चले जाते हैं, स्पोर्ट्स की तरफ, मार्शल आर्ट्स, मार्शल आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं वो, जो यानी कि अगर 20 से अबव होंगे, क्योंकि उनको उनको ये है कि सेल्फ डिफेंस जो है वो समझते हैं कि मार्शल आर्ट्स के अंदर ही है, तो उनको कंसेप्ट नहीं अब तक समझा है। वुमेन को समझ आता है, चिल्ड्रन को, क्योंकि पेरेंट्स होते हैं उनको पता होता है कि सेल्फ डिफेंस क्या है, वो मार्शल आर्ट्स में चले जाते हैं, गलती करते हैं, फिर गलती करते हैं। अच्छा, अल्टीमेट सेकंडली मैं ये जानना चाहूंगी कि मार्शल आर्ट्स जिस तरह उसमें आप बता रहे हो पॉइंट्स की टेक्निक्स है, सेल्फ डिफेंस में किस तरह की टेक्निक्स होती है? सेल्फ डिफेंस में मैं यहाँ पे डेमोंस्ट्रेशन दे सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, अभी डेमोंस्ट्रेशन आप दे सकते हैं। हम चाहेंगे अपने इनका फ्रेम भी बनाया जाए, तो थोड़ी सी डेमोंस्ट्रेशन हम सीख लें। अल्तमश जरा हमें भी बता दें, और इसके लिए कितनी मतलब सीखने के लिए कितना टाइम ड्यूरेशन चाहिए होता है? इसको सीखने के लिए डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट लर्नर है। वैसे 3 महीनों के अंदर आपको मेन कंसेप्ट जो है सारे पता चल जाएंगे, लेकिन अगर आप फास्ट लर्नर नहीं है तो उनको आपको अप्लाई करना नहीं आएगा। आपको लर्निंग आपकी फास्ट होनी चाहिए। उसके अलावा इट्स नॉट अबाउट व्हाट यू डू इनसाइड द जिम, लाइक इनसाइड आवर क्लास, इट्स आल्सो व्हाट यू डू आउटसाइड, कितनी आप रिसर्च करते हैं और कितनी आप जो है इसको कितने दिलचस्पी से आप लेते हैं। और इसके लिए फिटनेस क्राइटेरिया क्या है? फिटनेस क्राइटेरिया ये कि आपके नॉर्मल जो बॉडी फंक्शंस हैं वो यानी कि यू शुड बी फंक्शनिंग प्रॉपरली। फंक्शनल फिटनेस आपकी बेसिक एटलीस्ट होनी चाहिए, कि योर आर्म्स आर वर्किंग प्रॉपरली, योर लेग्स आर वर्किंग प्रॉपरली, तो ये है बस। अच्छा, डेमोंस्ट्रेशन हम बिल्कुल चाहेंगे आप करके दिखा दें। आप इस तरफ आना चाहेंगे अल्तमश, तो आप इस तरफ आ जाए, इधर इस तरफ आ जाए, तो आपके लिए ज्यादा हो जाएगी बेहतरीन चीज। तो अच्छा, यूजली कराटे में और टाइक्वांडो में ये होता है कि आप पंचेस जो हैं वो आपको मुंह पे मारना अलाउड नहीं होते, लेकिन ज्यादातर अगर आप अटैक्स देखें जो स्ट्रीट के ऊपर होती हैं, उसके ऊपर ज्यादातर अटैक मुंह पे होता है, लोग बाल पकड़ लेते हैं। और एक और भी लोगों को बात नहीं पता, जो फिस्ट है, जो फिस्ट होती है, ये अगर आप किसी के मुंह पे लैंड करें और अगर वो उसके किसी बोनी एरिया पे लैंड करें तो आपकी फिस्ट टूट जाती है। ये लोगों को नहीं पता इस बात का, क्योंकि ये बोन्स काफी ज्यादा होती हैं। इसकी जगह हम लोग एल्बोज यूज करते हैं, और उसके अलावा हम लोग पाम फिस्ट यूज करते हैं। पाम फिस्ट, ये जो है, बल्कि इसको पाम स्ट्राइक कहते हैं, पाम फिस्टिंग के पाम स्ट्राइक कहते हैं, पाम स्ट्राइक कहते हैं। और इसके ये हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये जगह टूटना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर हम पंच लैंड करें, ये बॉक्सिंग या कराटे में सिखाते हैं, पंच के अंदर प्रॉब्लम ये होगी कि अगर हम पंच लैंड करेंगे तो नकल्स टूट सकती है आराम से, ठीक है। उसके अलावा हम लोग क्लिंच गेम सिखाते हैं, केबल ग्रिप कर लें किसी के नेक को, अगर वो आपके बाल पकड़ा आप उससे वापस ग्रैब करके आप नीज मार सकते हैं, ठीक है। आप स्विच नहीं मार सकते, ठीक है। उसके अलावा आपको हम लोग सिखाते हैं लो किक्स, जो कि ज्यादातर मार्शल आर्ट्स में अलाउड नहीं होती। लो किक्स इससे अलाउड होती हैं क्योंकि यहाँ पे लगती हैं, वो अगर 2-3 आपको कस के पड़े लो किक्स तो उससे ये होता है कि अगला बंदा लिंप करना शुरू हो जाता है। इट ओनली टेक्स 2 or 3 किक्स और वो बंदा लंगड़ाना शुरू हो जाता है, शुरू कर देता है। अच्छा, टेक्निक सीखना मतलब नॉर्मली किस एज ग्रुप में ज्यादा आसान होता है कि आप इनिशियली इसको सीखना शुरू कर दें? शुड बी अबव 6 एटलीस्ट, वैसे तो मैं अबव 4 को सिखाता हूँ। अच्छा। लेकिन जो 6 के जो अंडर होते हैं उनको ये होता है कि वो इतना सीरियस नहीं ले रहे होते हैं, उनको इतना लाइफ के सीरियसनेस का ज्यादा आइडिया नहीं होता कि सेल्फ डिफेंस के तरह। अच्छा, नॉर्मली यू आर बेसिकली फ्रॉम यूएसए, राइट? अब वहाँ पर किस तरह का रुझान था, पाकिस्तान में किस तरह से आप देख रहे हैं? अच्छा, पाकिस्तान में ये होता है कि पाकिस्तान में अगर हम लोग फाइट करें, मैं बैठ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं, मैंने शायद अभी आप कुछ और डेमोंस्ट्रेशन करने वाले जी। हाँ। और डेमो मेरे पास बहुत है, पूरा दिन लगा सकते हैं उसके ऊपर। एनीवे, जो ये है यूएस के अंदर होता है कि हम लोग ज्यादातर जो है न्यूट्रलाइजेशन टेक्निक्स बताते हैं, क्योंकि उसके अंदर लीगल इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर आप किसी को सीरियसली इंजर करें। रेसलिंग हम कैच रेसलिंग सिखाते हैं कि एक बंदे को ग्राउंड पे ले जाएं और उसके बाद उसको बस पिन कर लें या वहीं पर ही, और फिर वहाँ पे पुलिस को कोई कॉल कर ले या तो यू कॉल फॉर हेल्प। यहाँ पे ये कि आपकी असल में शॉर्ट गेम होती है मार्शल आर्ट्स में। एक और भी बात है, इससे मैं और डिफ्रेंशिएट करूंगा, मार्शल आर्ट में इसे कहा जाता है आपने खड़ा होना है और आपने इतने राउंड्स के लिए लड़ना है और अपने पॉइंट्स लेने हैं। एक्चुअल फाइटिंग जो है 10 सेकंड की होती है। एक्चुअल जो फाइट है, जब आप सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में जाएंगे, 10 सेकंड में आप में से कोई नीचे होगा, किसी कोई बेहोश पड़ा होगा, कोई मतलब 10 सेकंड का होता है। उसके अंदर ये भी है, पाकिस्तान में लोग आके छुड़ा देते हैं,
तो अगर आपने किसी ने आपके ऊपर अटैक किया 10 सेकंड के अंदर अंदर आपने जो भी कुछ करना करना उसके पास टाइम नहीं होगा, लोग आके छुड़ा देंगे। और उसके बाद ये अगर उसके दौरान आप कुछ भी ना कर सके, यानी कि आपको कोई बुली कर, आप कोई तंग कर, आप बुली आया है स्कूल में आपको तंग कर, आपको शर्ट पकड़ लिया, उस वक्त आपने रिएक्ट नहीं किया, वो दोबारा आके आपकी शर्ट पकड़ेगा। अच्छा, मतलब आप ये 10 सेकंड के अंदर आपने बस जो कुछ करना 10 सेकंड में। मेरे ख्याल से आपके साथ कोई आपका ट्रेनी भी आया है? ट्रेनर आने थे लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली आ नहीं सके। वो एक्चुअली उनको मैं इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि उन्होंने टाइक्वांडो भी की हुई है, तो वो डिफरेंशिएट कर सकते थे। क्योंकि उन्होंने, वो मेरे स्टूडेंट ऐसे थे जो टाइक्वांडो ने की हुई है, और मुझे आके कहा कि टाइक्वांडो नहीं काम करती। वो किक्स टाइक्वांडो में किक्स होती है। अगर बंदा आप सेल्फ डिफेंस में ये होता है, अगर आपको अटैक करेगा अपनी आग झपके आपके इधर होगा, सिर्फ आग झपके इधर है, आग झपके आपके इधर होगा। टाइक्वांडो के अंदर हम लोग दूर होके लड़ रहे होते हैं, हमारे पास टाइम होता है, किक्स हम यूज करेंगे। किक्स कैसे यूज करेंगे अगर बंदा आपके इधर है? आंखें झपकेंगे, इट्स गोना बी इन यू। वो जो मार्शल आर्ट्स है कि उसके अंदर ये रेंज है, ये रेंज है, ये रेंज है, मेरी सिर्फ एक ही बात है, या वो आपकी रेंज के अंदर, आपकी रेंज के बाहर, इसके बाहर दो ही कर दो ही है बस। वो लोग कहते हैं मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज, तो लॉन्ग रेंज को किक्स यूज करो। मैं कहता हूँ नहीं, या वो रेंज के अंदर है, रेंज के बाहर, रेंज के बाहर। और अपनी आग झपकेंगे वो आपके 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 पास होगी। स्पेशली फॉर वुमेन, वुमेन के ऊपर जब अटैक होता है तो बहुत वायलेंट होता है, वो एकदम से आपको बस पकड़ लेते हैं। क्योंकि और उसके लिए आपकी फिजिकल फिटनेस भी थोड़ी बेहतर होनी चाहिए ताकि आप आगे से अपना सेल्फ डिफेंस। जी हाँ, एक्चुअली बात ये लोग गलत समझते हैं कि मार्शल आर्ट्स का जो ये है कि साइज डज मैटर, ये भी गलत कंसेप्ट है। एक्चुअली बात ये, साइज डज मैटर, देन यू हैव टू प्ले डर्टी। डर्टी ट्रिक्स सिखानी होती है, टाइक्वांडो में और कराटे में अलाउड नहीं होती कि आप डर्टी ट्रिक्स करें, ब्लो द बैट मारें, आई गाउज करें। अच्छा, उसके अंदर ये फिर होता है कि जब आप आपके साइज जो वुमेन का यूजली कम होता है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपको एप्लीकेशन स्ट्रेंथ की, क्योंकि स्ट्रेंथ इट्सेल्फ इज अ टेक्निक, और ज्यादातर मार्शल आर्टिस्ट मुझे इस बात पे काफी बुरा मानेंगे कि मैंने ये कह दिया कि स्ट्रेंथ इज अ टेक्निक। स्ट्रेंथ इज अ टेक्निक, और एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ इज एक्चुअली टेक्निक। द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेंथ इज टेक्निक, दैट्स व्हाट टेक्निक इज। सो व्हाट यू सी, लोग कहते हैं कि यू पंच, नो दिस इज नॉट अ पंच, यू पूरी हिप्स को यूज करके दिस इज अ पंच, पूरी हिप्स को आप टर्न करें और फिर आप मारें। अच्छा, इसके लिए बहुत माइन्यूट से टैक्स होते हैं, जिसको सीख लें तो मेरे ख्याल से वो चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एक्चुअली द फैक्ट इज इट्स अबाउट ट्रांजिशंस। जो सेल्फ डिफेंस, उसके अंदर एक दो अटैक्स होते नहीं है, उसके अंदर अटैक तब तक आप करते हैं जब तक एकदम ना न्यूट्रलाइज ना हो। मार्शल आर्ट में होता है एक पंच मारा फिर रुक गए, दो पंच मारा, इसके अंदर नहीं होता। इसके अंदर आप रुके तो अगले बंदे ने आपको अटैक कर देना। उसके अंदर ये होता है कि आप बस पंच मारे, लगातार मारते हैं, करीब आ जाए, थ्रोस के ऊपर आ जाए, कैच रेसलिंग के मनूवर्स करें, टेक डाउन करने के बाद मारते रहे, कंटिन्यू करना है। सेल्फ डिफेंस इज अ वे ऑफ लाइफ, और ये अल्तमश ने बहुत ब्रीफली और प्रिसाइजली भी इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। थैंक यू सो मच अल्तमश, बहुत शुक्रिया आपका कि आप यहाँ पर आए और आपने लोगों के सवाल से विनती। सेल्फ डिफेंस बहुत जरूरी है, खवातीन के लिए भी है और मर्दों के लिए भी है, और सेल्फ डिफेंस मार्शल आर्ट से काफी डिफरेंट है, ये अल्तमश ने हमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया। चलिए ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमें टैलेंट भी ज्वाइन करेंगे, आप देखते रहिए जागो लाहौर।